नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के माउस से रिलेटेड कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण सेटिंग के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीख पाएंगे, जैसे कि सबसे पहले फिक्स द इनर्शिया एंड मोमेंटम ऑफ द कर्सर। हम अपने जो कर्सर होता है उसका मोमेंटम और इनर्शिया फिक्स करेंगे कि कितना होना चाहिए और एक सेटिंग कहाँ पर होती है। देखिए, किसी का स्क्रॉल बहुत स्लो चलता है तो इसको स्पीड में भी हम इंक्रीज करेंगे। और इसके बाद में इनेबल टू फिंगर स्क्रॉलिंग करने के लिए टू फिंगर स्क्रॉलिंग भी हम इनेबल करेंगे और पॉइंटर स्पीड को इंक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ लाइन, एक बार व्हील को और स्क्रॉल करने पर कितना नंबर ऑफ लाइन स्क्रॉल हो जाएगी, ये भी हम सेट करना आप सीख पाएंगे। और आप देखेंगे कि कर्सर का साइज कैसे चेंज करते हैं और दो फिंगर या तीन फिंगर का जेस्चर कैसे ओपन करते हैं। जैसे कि ये जेस्चर, अगर आपको कुछ भी इसमें जैसे कि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या है इसका, तो ये वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा देखने के बाद में आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। और टैप एनी हर विद टू फिंगर फॉर ए राइट क्लिक, आपको बार बार राइट क्लिक ऐसे ऐसे प्रेस नहीं करना होगा, सिंपली टू फिंगर करेंगे और राइट क्लिक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरे इस चैनल पर शुभ गुरुकुल पर अभी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपनी नेक्स्ट अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो हम चलते हैं अपने सेटिंग के बारे में। सबसे पहले आपको प्रेस करना है विंडोज की प्लस आई और इसी की सेटिंग ओपन हो जाएगी। और फिर आपको जाना है डिवाइसेस में और फिर करना है क्लिक और फिर आपको जाना है माउस टैब में। तो आप माउस टैब में आ चुके हैं, फिर यहाँ से जाएंगे आप एडिशनल माउस ऑप्शन में और इसके बाद में आप कुछ स्पेशल सेटिंग के बारे में देख पाएंगे। सबसे पहले आपको मिडिल बटन को इनेबल करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप टचपैड का यूज करते हैं तो आप बीच में है पूरा का पूरा क्लिक कर देंगे तो ये काम करने लगेगा। तो इसमें मैं कुछ पहले बेसिक सेटिंग बताऊंगा, जैसे कि हम अपने लेफ्ट और राइट माउस की को कैसे चेंज करें, प्राइमरी और सेकेंडरी की से कहते हैं। और ये जेस्चर को यहाँ पर क्या करना है, इसको सही क्लिक कर देना है अगर आप में पहले से क्लिक नहीं है। हम चलते हैं बटन्स के बारे में, यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो लेफ्ट होगी वो राइट में हो जाएगी और राइट को लेफ्ट में कर देंगी। तो आप इसको अपने हिसाब से, अगर आप लेफ्ट हैंड से ज्यादा वर्क करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अब डबल क्लिक स्पीड क्या होनी चाहिए, इससे क्या होगा जैसे कि डबल क्लिक स्पीड को आप फास्ट करेंगे तो आप कंसिस्टेंटली इसको डबल बार तेजी से क्लिक करेंगे तो ये एज ए इंटर का वर्क करेगा। जैसे कि कोर्स भी ओपन करना था तो आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको अब स्लो कर दे रहा हूँ, थोड़ा समय और जूम कर दे रहा हूँ इसको, अब मैं देखो ये थोड़ा सा स्लो हो गया है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दूँ तो आप देखेंगे, हाँ मैं थोड़ा सा टाइम लेकर भी करूँगा फिर भी ये हो जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से, मैं चाहूँगा कि ये स्पीड फुल ही रखेगी तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अब हम चलते हैं पॉइंटर्स में। पॉइंटर में आप यहाँ से अपने पॉइंटर का साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये साइज आपका बड़ा आ गया, नॉर्मल सेलेक्ट है ये सारा चीज मैग्नीफाइड सिस्टम के लिए, और ऐसे बहुत सारे लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी आप इसका कर्सर का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप कर्सर साइज को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो आप कर्सर साइज को चेंज करने के लिए आप यहाँ से कर्सर चेंज करेंगे। मैं फिलहाल मैग्नीफाइड सिस्टम ही कर रखता हूँ। उसके बाद में पॉइंटर ऑप्शन जो होता है वो आप पॉइंटर प्रिसीजन को एनहेंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उसी पॉइंट पर क्लिक करें, कभी कभी होता है ये थोड़ा सा इधर उधर से आप कुछ लिख रहे हैं तो ये डाइवर्ट बहुत कम होगा अगर ये सेटिंग ऑन रहेगी। और ऑटोमेटिकली मूव जिस
ये सेटिंग में काफी अच्छी चीज है कि कुछ भी आप ओपन करते हैं तो कोई डायलॉग बॉक्स आता है तो उस पर डिफॉल्ट आपका कर्सर कहीं भी होगा स्क्रीन पे, वो वहीं पर जाकर रुकेगा, तो फिर आपको इस कर्सर को लेकर नहीं देना पड़ेगा, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर दें। और ये क्या होता है डिस्प्ले पॉइंटर्स, इससे होता है, इसे बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ, आगे का जो पहले बता रखा हूँ क्या बताने वाला हूँ वो अभी वीडियो में आगे आएगा। तो इससे क्या होगा कि कई सारे कर्सर आपको पीछे देख रहे होंगे, तो ये क्या होता है इससे एक पूंछ जैसा मिल जाता है, तो इसको आप ऑफ ही कर रहिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये सेटिंग को आपको ओपन कर लें, जैसे कि आप जब भी टाइपिंग करें तो ये तो जो आपका कर्सर है वो हमेशा क्या रहे पॉइंटर हाइड रहे। और ये जैसे कि मैं इसका क्या मतलब है, सो लोकेशन हेल्प, जैसे कि आपका कर्सर कहीं पर भी आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आपको पता करना होगा कि आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है, तो आप सिंपली स्क्रॉल ये कंट्रोल की दबाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आप सर्कल देख लेंगे तो ये सर्कल जैसा आने लगेगा, तो इसको आप यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसके बाद में हुए, यहाँ से आप अपनी नंबर ऑफ लाइन सेट कर सकते हैं कि कितने लाइन्स ऊपर जाए। अब मैं चलता हूँ एडवांस सेटिंग में, और यहाँ से आप काफी कुछ नया कुछ सीखने वाले हैं क्योंकि ये फीचर्स बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। तो अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से अब कोर माउस सेटिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले टैप वन और मोर फिंगर टू क्लिक, अगर जैसे कि हम टच पैड पर 2 फिंगर या 3 फिंगर या 4 फिंगर का यूज भी करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा हम आगे देखेंगे। तो आप इसको अगर क्लिक कर दें तो यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा फिंगर का यूज कर सकते हैं, और स्क्रॉलिंग अगर इसी की इसको या ऑफ कर देंगे तो 2 फिंगर से स्क्रॉलिंग आपकी नहीं हो पाएगी। अगर आप में ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए, जैसे कि आपका 2 फिंगर की स्क्रॉलिंग तेज हो जाए, स्क्रॉलिंग इनेबल हो जाए। ट्रैकिंग पॉइंट स्पीड या पॉइंटिंग स्पीड, जो कि मैं हम लोग पहले बात कर रहे हैं कि पॉइंटिंग स्पीड, तो इसको मैं एवरेज ही पर ही रख कर रखता हूँ, आप ही एवरेज पर ही रखिए। अब बात करते हैं क्लिक में, अब ये टाइप एंड ड्रैग ये क्या होता है, इसको आप इनेबल कर लेंगे तो जैसे कि आप किसी चीज को टाइप करके इसको ऐसे आप ड्रैग और टाइप करके ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूं। अब 2 फिंगर टैप क्या होता है, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो जैसे कि आप कभी भी 2 फिंगर कहीं पे रखेंगे तो क्या होगा, ये आपकी राइट क्लिक का जैसा बिहेवियर करेगी। मैं आ गया हूँ यहाँ पे टास्क बार में, मैं 2 फिंगर से केवल जैसे टच करता हूँ अपने, तो आप देखेंगे कि सारा सारा ऑप्शन आ जाता है। तो ये हमको बिना अगर राइट क्लिक आप ऐसे करेंगे तो बार बार प्रेस करने से कुछ खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको आप इनेबल कर दीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और 3 फिंगर टाइप से आप 3 फिंगर से कि एक्शन सेंटर, कॉर्टाना, कॉर्टाना एक होता है जैसे कि असिस्टेंट तरीके का होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और एक्शन सेंटर क्या होता है, 4 फिंगर टाइप से एक्शन सेंटर, अब आपको एक्शन सेंटर हो सकता है नहीं मालूम एक्शन सेंटर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये सारे ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं, तो ये सारे क्या है एक्शन सेंटर, तो आपको जाना पड़ता है यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है तो एक्शन सेंटर आता है। इसको सिंपली आप क्या करेंगे, 4 फिंगर टाइप अगर इनेबल है तो मैं यहाँ पर ही 4 फिंगर टाइप करूंगा और क्या आ जाएगा, आप ये देखिए कि ये आ गया, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ से वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसको, और इसका यूज भी आप यहाँ से सीख जाएंगे कि 3 फिंगर्स का टच कैसे काम करेगा। अब 4 फिंगर के बारे में आप देख रहे हैं, 4 फिंगर क्लिक करने से ये मैं आपको 3 फिंगर, 2 फिंगर और 4 फिंगर सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया हूँ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्क्रॉल के बारे में, ये इसका यूज हम स्क्रॉलिंग में काफी करते हैं, 2 फिंगर स्क्रॉलिंग, आप यहाँ आपको यहाँ से भी ये सारे ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, जैसे कि क्या होता है वर्टिकल वर्टिकल स्क्रॉलिंग, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग और स्विच डायरेक्शन आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे कि स्क्रॉलिंग स्पीड आप यहां से
स्पीड को यहाँ से अगर फुल कर देंगे तो स्पीड में आपको जरा सा बताता हूँ। जैसे कि मैं ये बुक ओपन कर दिया हूँ, जैसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखेंगे कि आप काफी स्पीड से ये स्क्रॉल हो रहा है। अगर आप इस स्पीड को कम कर देंगे तो ये स्क्रॉलिंग स्पीड काफी कम हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी। हाँ तो आप इसको कर देंगे। आप यहाँ पर एक बात और अगर नोटिस कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद जाने के बाद रुक जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली चलता जाए, जब आप फिर से यहाँ पर टाइप करें तो तब ही रुके, तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, जो इनर्सिया है तो इनर्सिया का मेन यही यूज है। अगर मैं इनर्सिया को मैक्स कर देता हूँ, मैक्स कॉस्टिंग, तो इससे ये होगा कि जो स्क्रॉलिंग है आपकी रुकने नहीं वाले जब तक आप फिर से क्लिक नहीं करें। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली जाता है, तो जब फिर से आप माउस को अपने टच करेंगे तो ये फिर रुक जाएगा। ये इनर्सिया अगर आप में ऐसा भी हो सकता है कि आप में पहले से ये मैक्स पे हो और नहीं रुकता हो, तो आप इसको अपने हिसाब से मिड में भी कर सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो कि वन फिंगर एज स्क्रॉलिंग है। इसको आप इनेबल जरूर कर लीजिए, ये मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर इनेबल कर हमेशा किए रखता हूँ। तो ये कायरल मोशन सर्कल, ये स्टेयरिंग, जिसे कार में स्टेयरिंग होती है घुमाते हैं, तो ऐसे ही हमको घुमाना होगा। इसको जब आप ऑन कर देंगे तो फिर जो ये आपका टच पैड का लेफ्ट पोर्शन है और ये बिलो का पोर्शन, राइट पोर्शन, आपका टच पैड का जो राइट पोर्शन है और बिलो का पोर्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप ऐसे करेंगे तो आपको स्क्रॉलिंग हो जाएगी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि ये आप कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल हो रहा है। आप जहाँ पर मेरा पॉइंटर है वहां पर देखेंगे कि क्या होता है, ये एक पाही जैसा, स्टेयरिंग जैसा आ जाता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसे गोल गोल घुमाएंगे और ये अपना काम करेगा। तो आप इसको इनेबल कर लीजिए, मैं फिर से अभी के लिए इनेबल इसको अनटिक कर दे रहा हूँ, आप इसको जरूर कर दीजिए, काफी अच्छा फीचर है। अब हम बात करते हैं जेस्चर के बारे में। पिंच टू जूम, जूम करने के लिए आप नॉर्मली क्या करते होंगे, अगर आप यहाँ पर हैं पीडीएफ में है, तो आप ऐसे यहाँ पर जो प्लस का सिंबल बना हुआ है उससे जूम करते होंगे, लेकिन आप इसके अलावा भी जूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप में क्लिक नहीं है, लगभग डिफॉल्टली क्लिक रहता है, लेकिन हो सकता है आप में क्लिक ना हो इस पे, तो आप इस पे चेक कर दीजिए, जिससे कि आपका कि आप जूम करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे मोबाइल में आप जूम करते हैं सेम टू सेम इसमें जूम कर सकते हैं। और ड्रैग एंड स्लाइड्स, इसको मैं आपको बता चुका हूँ, ये थ्री फिंगर्स से, जैसे कि आप फिंगर्स को क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं थ्री फिंगर से आप जैसे कि आपको अल्ट प्लस टैब दबाना पड़ता है इस तरह के मूव करने के लिए, लेकिन आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं। थ्री फिंगर्स को वहां पर क्लिक करके नीचे लाए और ऊपर लाए, तो इस तरह आपको मूव करना होगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है, तो आशा है आपको ये फीचर पसंद आएगा। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अब तक लाइक अगर नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपनी अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।